पानीपत के सामान्य अस्पताल में दिनों दिन चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही हैं। अब एड्स के मरीजों को दवा के लिए शहर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में एआरटी सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जहां एड्स के मरीजों को निशुल्क दवा मिल सकेगी। आपको बता दें कि हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वीना सिंह ने आज सामान्य नागरिक अस्पताल में एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर का शुभारंभ किया है। इससे अब एचआईवी से पीड़ित मरीजों को इस नागरिक अस्पताल में ही बेहतर इलाज मिलेगा। अभी तक एचआईवी मरीजों को पीजीआई रोहतक व दिल्ली के अस्पतालों में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग एड्स की जांच कराने में झिझक महसूस करते हैं, जिन्हें सेंटर के सलाहकारों से सटीक मार्गदर्शन भी मिल सकेगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर वीना सिंह ने बताया कि अब पानीपत में भी एआरटी सेंटर शुरू किया गया है, जिससे एड्स के मरीजों को निःशुल्क जाँच व दवा की सुविधा मिल सकेगी। एआरटी के मरीजों में इनके सेवन से बीमारी थम तो जाती है पर समाप्त नहीं होती, जिसके कारण इसका सेवन जीवन भर नियमित रूप से करना होता है। हरियाणा में अभी तक सिर्फ 2006 में पहला एआरटी सेंटर रोहतक में बना था, और अभी तक इस साल तक टिल 2020 सिर्फ एक एआरटी सेंटर था। वहाँ लगभग 30,000 मरीज वहाँ से ट्रीटमेंट लेते थे। वहाँ पे मरीजों को बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने बहुत ज़्यादा नैको, ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली, वो रन करती है इस सोसाइटी को, एंड उनसे हमने अपनी दुर्दशा बताई हमारे मरीजों की, बिकॉज इट वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू एवरीवन। फॉर्चुनेटली उन्होंने हमें इस साल 8 नए एआरटी सेंटर्स और दे दिए हैं। जो एफआईएआरटी थी उसको अपग्रेड कर दिया, उन्होंने हमें बजट दिया है 4.5 लाख पर एआरटी सेंटर, प्लस वायरल लोड मशीन दी है, प्लस एडिशनल स्टाफ दिया है। ये एक अब बहुत ही अच्छा काम हो गया है, क्योंकि जो मरीज़ वहाँ पे लंबी लाइनों में लगते थे, दूर दूर से जाते थे, उन्हें अब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगी, इन्वेस्टिगेशंस होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, लिंकेजेस मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, और आज मैं सिविल हॉस्पिटल पानीपत को देख के कह रही हूँ, इन्होंने एक मॉडल सेंटर बनाया है, जो मैं चाहती हूँ कि स्टेट, हमारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो। दे हैव पुट एवरीथिंग, जितना एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे अंडर वन रूफ इन वन कॉर्नर, और जो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। यहाँ पे सारे अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए एआरटी है, टेस्टिंग के लिए आईसीटीसी सेंटर अवेलेबल है, मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे टेस्टिंग है, सुरक्षा क्लिनिक जो एसटीआई चलाते हैं वो यहाँ पे है, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास दो कंसल्टेंट्स जिनका बहुत अनुभव है, डॉक्टर राजकुमार एंड डॉक्टर गर्ग, वो इस सेंटर में इंचार्ज हैं, और पूरा एक बिल्कुल मॉडल जैसे सेंटर होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपको, आपके टीम को, जो जिन्होंने विजन देख के जैसा हम चाहते थे एक ऐसा कोना हरियाणा में बना दिया है, जहाँ पे मैं चाह के भी अब कोई सजेशन दे नहीं पा रही हूँ आपको, बिकॉज यू हैव मेड इट परफेक्ट। ओएसटी सेंटर है, ओएसटी सेंटर होता है जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको अगर वीन ऑफ करना है तो एकदम दवाई नहीं छोड़ सकते हैं, तो डेली मेडिसिन के लिए आना पड़ता है। बड़े अनुभवी हमारे पास फिजिशियंस हैं, डॉक्टर गर्ग हैं, डॉक्टर राजकुमार हैं, तो सुपरविजन में उनको दवाई देते हैं, तो सब कुछ अंडर वन रूफ। और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, सबसे बड़ी बात है, दवाई दे देना, मरीज का टेस्ट कर देना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन मरीज को हील करना, हील तो सब कुछ है, उसके मन को, उसके आत्मा को, उसको धैर्य उसको देना, वो सब कुछ वी हैव साइकेट्रिस्ट हियर, साइकोलॉजिस्ट हियर, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये बड़ा सबसे बढ़िया सेंटर रहेगा, जहाँ पे मरीज को ये नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाने से पहले मरीज़ को हमेशा ये रहता है लंबी लाइनों में जाना पड़ेगा, गुस्से से नर्स बोलेगी, डॉक्टर डांट मार के बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई हैव इंटरेक्टेड विद द स्टाफ हियर,
एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एआरटी सेंटर इन द स्टेट. द स्टाफ इज सो वेल ट्रेन्ड. तो मरीज को यहाँ पे सुकून मिलेगा. हो गया है अगर हमने उसको एचआईवी, उसको हो गया है, लेकिन मेरे को अब ये सेंटर के खुलने के बाद पूरी उम्मीद है कि पूरा टीम वर्क के साथ मरीज को बहुत सुकून मिलेगा, हील होगा और एक उसके लिए एक अच्छा हर्ष का विषय होगा कि चलो मैं अपने इलाज के लिए जा रहा हूँ. इलाज भी मिलेगा, सहारा भी मिलेगा, सोशल लिंकेजेस भी हम उसके करवाएंगे. जैसे फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर्चुनेटली अपने एचएम सर ने पेंशन भी शुरू करा दी है, वो भी यहाँ पे होएगी. फ्री राशन होता है, विडो पेंशन होती है, आरबीएसके के अंदर ऑफन के ग्रांट्स होते हैं, वो सारे हमारे काउंसलर्स ट्रेंड हैं. तो जो एक एचआईवी मरीज है उसका पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा, उसका हर चीज़ के बारे में यहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा. न्यूट्रिशन, उसको क्या खाना चाहिए टू सस्टेन ऑन द मेडिसिन. एचआईवी की जो दवाइयाँ होती हैं उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें कैसे इनको हैंडल करना है. द स्टाफ इज सेंसिटिव, वेल ट्रेन, इट इज़ द बेस्ट एआरटी सेंटर इन हरियाणा. समाज के डर से है या फिर परिवार आस पड़ोस की बेइज्जती ना हो, उसको भी जांच करवाने से लोग कतराते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत स्टिग्मा है इसके साथ. लोगों को जैसे ही एचआईवी हो जाता है उसको कोई भी सहानुभूति नहीं होती है. माँ बाप बोलेंगे गलत काम किया है, पड़ोसी बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे, और अगर आपके एम्प्लॉय को पता चल जाता है तो वो बिल्कुल नौकरी से निकाल देते हैं. बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है. एचआईवी कोई छूने से नहीं होती, उसी कमरे में रहने से नहीं होती, वो बर्तन में खाने से नहीं होती, फिर भी किराएदार इन लोगों को घर से निकाल देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं. माँ बाप अपने विल से बेदखल कर देते हैं इन बेचारों को. उनके लिए भी हमारे पास सोशल, यहाँ पे लॉयर्स हैं, वी हैव अ ग्रुप जो उनके सोशल राइट्स के लिए भी हम लड़ेंगे. और अवेयरनेस हम लगातार लगे रहते हैं बताने में कि एचआईवी कोई छुआछूत की नहीं है. किसी को छूने से, साथ रहने से वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और कुछ दवाई अगर कंटिन्यूसली दवाई खाएगा तो उसका वायरल लोड कम हो जाता है, जिससे वो इन्फेक्टिव भी नहीं रहता है किसी को. सो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस, आज के दिन हम लोग अवेयरनेस में लगे हुए हैं. हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जब हम अवेयरनेस लोगों में स्टिग्मा हटा देंगे, देन इट विल बी बिहेवियर चेंज. बिहेवियर चेंज में हम बात करेंगे कि फेथफुल होना चाहिए अपने सेक्सुअल पार्टनर को, दे शुड कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स, और ड्रग्स कर रहे हैं तो हमारे पास सिरिंज रिप्लेसमेंट होता है. हम उनको ये नहीं कहते कि तुम ड्रग कर रहे हो, तो हम उनको यहाँ पे जज नहीं करते. हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ड्रग कर रहे हो, लेकिन कम से कम नीडल सिरिंज अच्छी रखो जिससे एचआईवी ना हो. दूसरा, हम एसएमएम्स, दैट इज़ मेल हैविंग सेक्स विद मेल एंड फीमेल सेक्स वर्कर्स, उनको हम कॉन्डम यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उससे इन्फेक्शन कम होता है. लेकिन हम ये नहीं, ये बिहेवियर चेंज हम, एंड वी विल रिस्पेक्ट पीपल्स प्रोफेशन, वी विल रिस्पेक्ट पीपल्स चॉइसिस, वी विल नॉट जज देम दैट दे आर सेक्स वर्कर्स, दे आर MSMs और इंजेक्टेड ड्रग यूजर्स. हमारे लिए वो सारे हमारे इंसानी लोग हैं. तो ये अवेयरनेस हम काफ़ी इसमें एक्टिवली इसमें हम काम कर रहे हैं. आखिरी सवाल मैम, कोरोना के केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, फिर से एक बार बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी बेपरवाह हो रहे हैं, और बरसी है, एक साल हो चुका है, और एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है. इसमें पहली बात तो घबराने की बात नहीं है, हमारी इंडियन इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है. दूसरा, कोरोना जब पहले बार हुआ था तो उस टाइम हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमें ट्रीटमेंट करना नहीं आता था, क्या होएगा कुछ नहीं पता था, कोई वैक्सीन नहीं था. लेकिन आज के दिन हमारा बड़ा रोबस्ट टेस्टिंग है. RT-PCR हम दिन के कितने कितने कर रखे हैं, हमारी लैब्स बिल्कुल सक्षम है. दूर तक हम कितने भी आप केसेस ले आओ, हम एक दिन में टेस्ट और उसी दिन रिपोर्ट देते हैं. नंबर एक. नंबर दो, हमें ट्रीटमेंट करना आ गया है, वी कैन हैंडल द पेशेंट इन एनी स्टेज. तीसरा, हमने वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उससे एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी. तो ट्रीटेड जस्ट लाइक फ्लू,
जुखाम फ्लू का शॉट लोग लगवाते थे, तो अब हमारे को कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलार्म रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली तीन चीज़ें रखनी चाहिए। नंबर वन इज़ द वैक्सीन, दैट इज़ द मास्क वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग। तीन चीज़ें बस, हमें कोरोना से बिल्कुल डरे। 100 केस आए, 200 आए, अब हमें कोई घबराहट नहीं है, हमारी टेस्टिंग है, हम इलाज कर सकते हैं, वैक्सीनेशन। वी आर वी वरीड डॉक्टर साहब, कोई वरीड है? नॉट एट ऑल। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।